सर्दियों का मौसम आ चुका है और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर्दियों में मालिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और डेली बेसिस पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज के वीडियो में बताऊंगी मैं। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पियो प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीतरा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में जो भी चीजें बताऊंगी पॉइंट टू पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा ताकि आपको ज्यादा हेल्पफुल हो सके। और जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है ना, तभी बच्चे की एक हफ्ते के बाद मालिश शुरू हो जाती है। मालिश जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है बच्चे के लिए। उससे बच्चे की गैस रिलीफ होती है, बच्चे को अच्छी सी नींद आती है। आप रेगुलर बेसिस पर मालिश करते हैं ना, तो बच्चे को जो एक थकान महसूस होती है लेटे लेटे लेटे, तो उससे वजह से ना उनको एक एनर्जेटिक फील करते हैं, उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बच्चे की हड्डियां भी मजबूत होती हैं मालिश करने से। तो मालिश करना ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। आपको क्वेश्चन आता है कि क्या सर्दियों में डेली मालिश करनी चाहिए? यस फ्रेंड्स, डेली मालिश करनी चाहिए। इससे सारे बेनिफिट बच्चे को होते हैं, मिलते हैं जितने भी मालिश करने इसकी है। बस आपको कुछ सावधानियां बरतनी है क्योंकि सर्दियों के मौसम में ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, बच्चे को सर्दी खांसी की समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले चीज आपको पंखा बंद कर देना है और जो रूम है वो अच्छी तरीके से बंद कर देना, दरवाजे खिड़की सब बंद कर देने ताकि जो हवा है वो पास ना हो, ठंडी ठंडी जो हवा होती है ना बच्चों को ऊपर पास ना हो। पॉइंट नंबर टू, अभी दिसंबर चल रहा है तो कहीं कहीं जगह पे बहुत ज्यादा कोहरा हो जाता है, धूप जल्दी जल्दी निकलती नहीं है। तो उस टाइम पे क्या करे कि अपने जो रूम में हीटर चालू कर ले। हीटर चालू करने से ना रूम का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और उसके बाद बच्चे की मालिश करे। और जो हीटर है ना थोड़ी दूरी पे ही रखे, बच्चे के पास मत रखिए ताकि बच्चे को है ना ज्यादा हीट ना लगे। दूर पे रखिए, हल्का हल्का वार्मनेस घर कमरे में रहे। सपोज धूप निकली है तो आप धूप में भी जाके मालिश कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि हवा ना चलती हो। अगर हवा चल रही रहेगी बहुत ज्यादा तो बच्चे को सर्दी खांसी लग सकती है। तो फिर आप है ना घर में ही मालिश कीजिए जहाँ धूप आ रही है, खिड़की से छन के धूप आती है ना, वो उस धूप में भी आप मालिश कर सकते हो। फ्रेंड्स, बच्चों को रोज नहलाओ नहीं चलेगा, लेकिन डेली मालिश जरूर करनी चाहिए क्योंकि बच्चों को ये चीज बहुत अच्छी रहती है उनके हेल्थ डेवलपमेंट के लिए भी और बोन्स डेवलपमेंट के लिए भी और गैसेस और बहुत सारी तकलीफ से बचाने के लिए भी मालिश जरूरी है। सर्दियों में भी मालिश जरूरी है। फ्रेंड्स, जब भी आप मालिश करने बैठे ना तो एक चीज और ध्यान रखें कि आपका जो तेल है वो गर्म होना चाहिए। पर आप बोलोगे कि जैसे तेल गर्म करते हैं ठंडी इतनी चल रही है कि वापस ठंडा हो जाता है, तो उस चीज के लिए आपको क्या करना है, एक बड़ी कटोरी लेनी है, उसके अंदर पानी गर्म करके रखना है और उसके ऊपर छोटी कटोरी में तेल डाल के रखना है। तो फिर पानी जो गर्म रहेगा ना उसके वजह से आपका जो तेल है वो भी गर्म रहेगा। तो उस तरह से आप मालिश कर सकते हैं तो बच्चे को गर्माहट भी मिलेगी और ठंडा ठंडा हाथ भी नहीं लगेगा। और एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, जैसे ही आप मालिश करने के लिए ले तो अपने हाथों को भी गैस के सामने ना अच्छी तरीके से गर्म कर ले ताकि आपके जो ठंडे ठंडे हाथ है बच्चे को ना लगे। आज का जो वीडियो था यहीं तक था। होप सो अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड लोगों के साथ जी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं भी ओपनिंग देखा है तो धन्यवाद। चलिए बाय।